हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिवीजन असाइनमेंट नंबर 8, क्लास 4, सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिलिंदी ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनमें आपको करेक्ट वर्ड का यूज़ करना है। नंबर 1 देखिए, ही इज माई मदर्स, वह मेरी माँ का, खालिस्तान यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है। तो यहाँ हम इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, नेफ्यू लिखेंगे या नाइस लिखेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ नेफ्यू आएगा। और क्यों आएगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर ही आ रहा है। क्या आ रहा है? ही। हमने पूछा है कि वह मेरी माँ का, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? वह के बारे में पूछा जा रहा है, ही के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा नेफ्यू आएगा। नंबर 2 है, द ब्राइड ग्रूम लुक्ड वेरी हैंडसम। देखिए नंबर 2 में हमारा क्या लिखा है कि दूल्हा जो है वो कैसा है, बहुत हैंडसम है। तो हैंडसम कौन दिखाई दे रहा है? ब्राइड ग्रूम। इसलिए यहाँ पर ब्राइड ग्रूम आया है, ओके, ब्राइड नहीं आया। नंबर 3 देख लीजिए आप, द वुमेन टॉक्ड टू हर बॉस, जो वुमेन है वो अपने बॉस से बात करती है। तो अपने बॉस से यहाँ पर कौन बात करती है? वुमेन बात करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? हर का यूज होगा, हिज का यूज नहीं होगा। यदि वुमेन की जगह यहाँ पर मैन होता तो हमारा यहाँ पर हिज का यूज होता, ठीक है, ओके। नंबर 4 है, माई आंट एंड हर सन केम टू आवर हाउस, मेरी आंट और उसका बेटा हमारे घर आए। आ रहा है यहाँ पर हर किसके लिए आते हैं? वुमेन के लिए आते हैं, फीमेल के लिए आते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल किया है आंट, ठीक है। नंबर फाइव है, द डैश लेड फॉर एग्स, जो हैन होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। तो यहाँ पे लिखा है, हैन ने 4 एग्स दिए या गिराए। तो अब देखो यहाँ पर कॉक भी लिखा है, तो कॉक तो मुर्गा होता है, मुर्गा तो कभी अंडे नहीं देता। अंडे देने का काम किसका है? हैन का है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द हैन लेड 4 एग्स। नंबर 6 देखिए, द डैश वॉज ए गुड मैन, जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड कौन होता है? मकान का मालिक। लैंडलॉर्ड एक अच्छा आदमी था, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लैंडलॉर्ड, ठीक है। नंबर 7 देखिए, द डैश लुक्स वेरी मच लाइक हिज फादर, जो लड़का है वो देखने में कैसा लगता है, अपने पिता की तरह दिखता है। देखिए यहाँ पर हिज का यूज़ हो रहा है, हिज का, तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया, बॉय का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर हर मदर होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, गर्ल लिखते, ओके, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर हिज फादर आ रहा है, अपने पिता की तरह, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बॉय का यूज़ किया है। नंबर 8 है, द मास्टर गेव हिज मैन सर्वेंट ए प्रेजेंट, मास्टर ने यानी कि मालिक ने एक प्रेजेंट यानी एक गिफ्ट अपने मैन सर्वेंट को दिया। देखिए इसमें यहाँ पर आ रहा है हिज, और हिज का जो यूज़ होता है वो मेल के लिए होता है, नॉट फीमेल, फीमेल के लिए नहीं होता, मेल के लिए होता है। तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, मैन सर्वेंट, समझ में आ गया ये। नंबर 9 है, दिस एक्टर प्लेड द पार्ट ऑफ द हीरो इन द मूवी, यह एक्टर क्या कर रहा है, मूवी के अंदर एक पार्ट अदा कर रहा है या एक पार्ट को कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है एक्टर, और एक्टर कौन होते हैं, एक्टर का अगर फीमेल देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, और एक्टर के लिए क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, हीरो आ जाएगा। और यहाँ पर अगर एक्टर की जगह एक्ट्रेस दिया होता तो हम यहाँ क्या लिखते, हीरोइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेल है। तो
तो मेल हमारा क्या है इसमें, हीरो है। ठीक है, समझ में आ गया, हीरो लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। हाल्फ्स लिखा है, ये हमारा प्लूरल है, इसको हमने सिंगुलर में चेंज किया है हाफ, एच ए एल एफ हाफ। बॉक्सेस का क्या हो जाएगा फिर, ई एस हट जाएगा यहाँ से और बी ओ एक्स बॉक्स हो जाएगा। नंबर थ्री है गीज, जी डबल ई एस ई, गीज। गीज का सिंगुलर क्या होगा, गूज, जी डबल ओ एस ई गूज। लेव्स, एल ई ए वी ई एस लेव्स, लेव्स का सिंगुलर में क्या होगा, लीव, एल ई ए एफ। डियर, डी डबल ई आर डियर, डियर का क्या होगा, डियर का चेंज नहीं होता है तो डियर का ऐसे की ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो डियर ही लिख देंगे। फेयरीज, देखिए यहाँ से हम आई एस हटा देंगे और वाई लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फेयरी, एफ ए आई आर वाई फेयरी। ऑक्सन, ओ एक्स ई एन, ऑक्सन का सिमिलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओ एक्स ऑक्स। लेव्स, एल आई वी ई एस लेव्स का सिंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लाइव, एल आई एफ ई। नाइव्स, के एन आई वी ई एस नाइव्स, इसका सिंगुलर फॉर्म होगा के एन आई एफ ई नाइव। डब्ल्यू ओ एल वी ई एस वॉल्व्स, इसका क्या हो जाएगा सिंगुलर में, W O L F वॉल्फ। ठीक है, वुल्फ बोलते हैं। ड्यूटीज, D U T I E S ड्यूटीज को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, ड्यूटी, D U T Y ड्यूटी। बेंचेस, B E N C H E S बेंचेस, इसका सिंगुलर फॉर्म होगा बेंच, बी ई एन सी एच बेंच। नंबर थर्टीन है फॉक्सेस, एफ ओ एक्स ई एस फॉक्सेस का सिंगुलर क्या हो जाएगा, फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स। नंबर फोर्टीन है मंकीज, एम ओ एन के ई वाई एस मंकीज का क्या होगा, मंकी, एम ओ एन के ई वाई मंकी, यहाँ से वाई को हम हटा देंगे। चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर, ये चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, इसको सिंगुलर में चेंज करना है तो चाइल्ड हो जाएगा, सी एच आई एल डी चाइल्ड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।